इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। सलमान, उन्होंने जब अपने आप को वो क्राउन प्रिंस बने अपने वालिद की मदद से, तो उन्होंने कुछ स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल चेंजेस करने की कोशिश की, और वो जो चेंजेस थी बेसिकली वो सऊदी अरब का इमेज बदलने के हवाले से थी। उसकी एक वजह तो ये थी कि क्योंकि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बहुत यंग थे, 32 इयर्स ओल्ड एज थी उनकी, और वो जो थे अपने जिस क्राउन प्रिंस की पोजीशन में आना चाहते थे, उसके बाद उन्होंने किंग बनना था, तो उनको बहुत सारे जो सऊदीज जो रॉयल फैमिली थी उनको नाराज करना पड़ा। तो अब अगर डोमेस्टिकली आपके पास लेजिटिमेसी उस तरह ना हो, क्योंकि आप वो चेन ऑफ कमांड जो है उसको फॉलो नहीं करके आप ऊपर आ रहे जिस तरह के माजी में सऊदी अरब में होता रहा, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक्सटर्नल लेजिटिमेसी हासिल करने की कोशिश की, और एक्सटर्नल लेजिटिमेसी हासिल करने के लिए उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स की, और सबसे पहले उन्होंने एक सऊदी विजन 2030 दिया। और जो सऊदी विजन 2030 है, ये एक बहुत लंबा एक बड़ा विजन है जिसमें वो बेसिकली सऊदी अरब का जो इमेज है वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और जो सऊदी अरब का स्ट्रक्चर है बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ख्वातीन को एम्पावर करेंगे, उनको जॉब्स देंगे, वो रात को भी नौकरी कर सकती हैं, वो अपने महरम के बाद ट्रैवल कर सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एक अहम चीज़ है जो मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि उन्होंने अपना जो करिकुलम है, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, वो भी बदलने की बात की है, और उसमें जो चीजें आई हैं उसमें उन्होंने इसको जो जिसे आप कह लें कि जो दूसरे मजाहब हैं उनको भी इंक्लूड किया, जिसमें उन्होंने जो भारत की हवाले से अगर देखा जाए कि भारत में जैसे कि उन्होंने अपने जो टेक्स्ट बुक्स में है वो ये जो रामायणा और महाभारता है इसको ऐड किया है, और बच्चों को ये भी पढ़ाया जाएगा, और उनको जो कल्चरल नॉलेज है वो दिया जाएगा, और उनको दुनिया के बाकी मजाहब का और ममालिक का जो रिलीजियस वैल्यूज हैं वो भी पढ़ाई जाएंगी। तो इट्स नो मोर जस्ट अ वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम जो उनको पढ़ाया जाएगा और उनको इसी के इर्द गिर्द रखा जाएगा। एक तो उनको वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम नहीं पढ़ाया जाएगा, इसके अलावा जो मुसलमानों के जो बाकी फिके थे या जो उनकी जो बाकी हैं जैसे शिया हैं उनके बारे में जो बात होती थी गलत बात होती थी, या जो सूफीज थे उनके बारे में जो गलत बात होती थी, वो भी सऊदी अरब ने टेक्स्ट बुक से हटा दिया। मैं फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कि जो मैं देख रहा था कि जो ह्यूमन राइट्स वॉच है उसने ये कहा कि जब 2020-21 का और 19-20 का उन्होंने करिकुलम जो है सऊदी अरब का स्टडी करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि जो सऊदी अरब के करिकुलम में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था कि वो जो शियाज और जो सूफी प्रैक्टिसेस थी उनको वो काफराना प्रैक्टिसेस जो वो करार देते थे, और कहते थे कि ये उसको स्टिग्मेटाइज करते थे और अन इस्लामी कहते थे और मना कर देते थे। तो एक तो उन्होंने वो भी वहां से हटाई हैं और अब उन्होंने उसको और तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। लेकिन इसके साथ साथ जो उन्होंने अहम काम किया है, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी हमने भी अपनी टेक्स्ट बुक्स को बहुत ज्यादा दकियानूसी और वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक चीजें पढ़ाई, और हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों ने किताबें भी लिखी मर्डर ऑफ हिस्ट्री, और बड़ा कहा गया कि हमने जो अपना जो पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान का वो बड़े जो है वो कई जगहों पे गलत भी पेश करने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पे मैं करिकुलम के हवाले से बात करूंगा, आई एम नॉट गोइंग फॉर नेशनलिज्म एंड ऑल दिस, कि करिकुलम में भी हमने जो जो बाकी मजाहब थे उनको छोटा करने की कोशिश की, उनको नीचा दिखाने की कोशिश की, और उनको उस तरह मेन स्ट्रीम जो है वो नहीं होने दिया जिससे हम एक प्लूरल इमेज पाकिस्तान का दे सकें। और वो एक लेकिन सऊदी अरब ने ये क्या किया है कि उन्होंने कहा जी कि जो सऊदी बच्चे हैं उनको रामायणा और महाभारत जो है इसको पढ़ाया जाएगा और ये स्टडी करवाई जाएगी। और ये हुआ है कि उसमें सिर्फ यही नहीं है, जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो क्लास में जो हिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट हैं हिंदुइज्म के बुद्धिज्म के कर्मा रामायणा महाभारता धर्मा
इनको भी पढ़ाया जाएगा, और जिससे जो है वो बताया जाएगा कि भाई वहां पे मुसलमान जो हैं वो तो हमने पढ़े ही पढ़े हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी मजाहब हैं उनके बारे में भी चीजें ऐड की जाएंगी, और ये लिटरेचर और करिकुलम में जो है वो पढ़ाया जाएगा। सो अब आप इमेजिन करें कि अगर सऊदी अरब जैसा मुल्क जहां पे इंतहाई अथॉरिटेरियन रूल रहा हो और उन्होंने इंतहाई फोर्सफुली अपने जो कुछ मजहबी और सियासी पैगामात जो हैं वो करने की कोशिश की है, लोगों तक फोर्सफुली भेजने की कोशिश की, लेकिन उनको बाकी मजाहब को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, और उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि जो पाकिस्तान में जो हिंदू बच्चे हैं, और मैंने एक बीबीसी की रिपोर्ट भी अपने शो में चलाई थी, और मैंने बताया था कि किस तरह वो जब पाकिस्तान स्टडीज पढ़ते हैं या जो सोशल स्टडीज पढ़ते हैं तो उनको उनके बारे में उन किताबों में क्या लिखा हुआ है, उनके बारे में जो उन किताबों में लिखा हुआ है वो उनको बड़ी तकलीफ होती है, और हमें भी उसकी बड़ी तकलीफ होती है कि हमने अब जनरलाइज कर दिया हिंदुओं को। ठीक है, हम हिंदुस्तान से अलहदा हुए, हिंदुस्तान के हमारे साथ 10 मसाइल रहे हैं, लेकिन हम किसी मजहब को इस तरह टारगेट करना और उनको डिमिनाइज करना, छोटा बनाना, टू मेक देम बिलिटल, आई थिंक दिस इज समथिंग विच शुड नॉट बी इनकरेज्ड। और हमें जितना इंटरफेथ डायलॉग और इंटरफेथ हार्मनी अपने बच्चों को सिखाएंगे, उतना ही ज्यादा हम जो है वो हमारे बच्चे तरक्की कर सकेंगे, और वो जितना ज्यादा दूसरे मजाहब को समझेंगे उनको उतनी बेहतरी आएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सऊदी अरब में देखें तो उन्होंने अगर अपने आप लोगों को सिर्फ वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम बताया, और जो इंटरप्रिटेशन कुरान की और अहादीस की जो वहाबी स्कूल ऑफ थॉट ने की, अब सऊदी अरब में भी जारी बात है वहां का प्रॉब्लम यह था कि वहां पे एक तो रॉयल फैमिली थी और फिर क्लर्जी थी, तो दोनों ने बेसिकली अपनी पावर शेयर की हुई थी और एक दूसरे के साथ कंसेंसस चल रहा था। तो अभी प्राइमरली जो रॉयल फैमिली है वो जो सऊदी क्लर्जी है उसको चैलेंज कर रही है, लेकिन बड़ी स्लोली कर रही है, और क्लर्जी को भी समझ लग गई है कि अब ये मुमकिन नहीं है इस तरह जो रॉयल फैमिली को आंखें दिखाना। सो जो अहम चीज है वो ये है कि अगर जो इंडियन वैल्यूज हैं, इंडियन जो हिंदू मजहब है, अगर उसको जो है वो सऊदी लिटरेचर में या सऊदी टेक्स्ट बुक्स में ऐड किया जा रहा है, तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। और हमें भी पाकिस्तान में भी ये चीज होनी चाहिए कि हमें जो दूसरे मजाहब हैं उनको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, उनकी जो वैल्यूज हैं, उनके जो कल्चर हैं, उनकी जो चीजें हैं उसको अपने मजहब में लेके आना चाहिए, सॉरी अपनी लिटरेचर में, टेक्स्ट बुक में लेके आना चाहिए, ताकि हम लोगों को और अपनी आने वाली नस्लों को बता सकें कि हमने। तो गाइज़, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो आपने पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा, कमर चीमा की बातें सुनकर डेफिनेटली आपको थोड़ा शॉक लगा होगा, क्योंकि इस तरीके की बातें कमर चीमा से आप 1-2 महीने पहले तक नहीं सुनते। तो मैं समझ सकता हूँ उसका रीज़न क्या है, आप भी समझ सकते हो। तो गाइज़, सऊदी अरेबिया में जो है महाभारत और रामायण स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ऐसा मतलब कन्फर्म है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि आप जैसे इंडिया में, आपको भी पता है कि 10वीं तक आप कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, कौन सा चूज़ नहीं करना, तो वो बच्चे को चूज़ करना पड़ेगा कि उसे पढ़ना है या नहीं, उसे इंटरेस्ट है कि नहीं, उसे संस्कृत पढ़ना है, उसे दूसरा हिंदी पढ़ना है, उसे ये पढ़ना है, कंप्यूटर लेना है, तो ये इसी तरीके का कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कन्फर्म है कि इस सिलेबस में आपको डाला जाएगा, इसमें पास होना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी एक अच्छा साइन है कि चलो कुछ तो हो रहा है ऐसे देश में जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ। लेकिन सऊदी अरेबिया जैसा देश, आप भी पता है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, यहाँ के मुसलमानों में फ़र्क क्या है वो भी मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। गाइज, रीज़न क्या है, आपने देखा अभी फ्रांस के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए उसमें पाकिस्तान का साथ दिया सऊदी अरेबिया ने, देना चाहिए था ना, सबसे बड़ा मुस्लिम देश है जहाँ, मतलब सबसे बड़ा मुस्लिम देश इन टर्म्स ऑफ OIC का जो फाउंडिंग मेम्बर है, पैसे में अमीर है, और मुसलमानों का सबसे बड़ा जो तीर्थ स्थल है जिसे मैं मक्का मदीना बोलूँगा वो, और वहीं पर है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को मांगना चाहिए था सऊदी अरेबिया का साथ, नहीं मांगा। तो आप समझ सकते हो डिफरेंस क्या है, यहाँ के मुसलमान वहाँ के मुसलमान दोनों में जज्बाती और बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क है, उसे मैं एक्सप्लेन करने का मेरे पास अभी समय नहीं है। आते हैं पॉइंट पर, जो
सऊदी अरेबिया और रामायण महाभारत वहाँ पर पढ़ाई जा रही है। तो गाइज आपको भी पता है पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुसलमानों से आपने कई बार सुना होगा, हम दूसरे धर्म के खुदा झूठे खुदाओं को भी झूठा नहीं बोलते, मतलब ये पहले ही झूठा बोलकर झूठा नहीं बोलना चाहते, इस तरीके की इनकी डेफिनेशन है। और ये सब चीज़ें अभी पिछले 10-15 साल जब से सोशल मीडिया वगैरह आया है, ये 10-15 साल ज़्यादा हो गया, सब से सोशल मीडिया वगैरह आया तब से दूसरे धर्मों को इस्लाम के बारे में बहुत बारीकी से पता चला है कि मतलब जो सेकंड क्या बोलूँ मतलब दूसरा साइड पता चला, पहले तो लोग जानते नहीं थे इतना ज़्यादा, अब तो ये सारी चीज़ें भी सामने आ गई, सिर के क्या है मतलब बिल्कुल हराम है दूसरे धर्म का कुछ भी करना, तो इस तरीके की चीज़ें अब तो सामने आ चुकी हैं गाइस। आपको भी पता होगा ये जो सऊदी अरेबिया का जो रामायण और महाभारत का जो भी जो चल रहा है, आप किसी इंडियन या पाकिस्तानी मुस्लिम का इसमें व्यू देखिए और उसमें जाकर कमेंट देखिए, इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेश मुसलमानों का, कमेंट से आपको पता चल जाएगा टॉलरेंस लेवल, कमेंट से आपको पता चल जाएगा उनकी सोच, कमेंट से आपको पता चल जाएगा कितना धर्म में टॉलरेंस लेवल है। तो ये चीज़ें कोई ज़्यादा इफेक्ट करने वाली है नहीं, जो चीज़ आप एक बार सीख चुके हैं उसे अनलर्न करना बहुत मुश्किल है। सऊदी अरेबिया भी वही प्रयास कर रहा है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो अनलर्न करना बहुत मुश्किल है दूसरे धर्मों के खिलाफ। अगर आप स्टार्टिंग से ही ऐसा बोलेंगे कि हम उनके झूठे खुदाओं को भी झूठा नहीं बोलते हैं, ऐसा हमारा कुरान बोलता है, तो भैया आपने तो झूठा पहले ही बोल दिया, अब झूठे खुदाओं को झूठा ना बोलने से मतलब क्या है जब झूठा पहले ही बोल दिया। तो इस तरीके की चीज़ें अनलर्न करना बहुत मुश्किल है, टॉलरेट करना बहुत मुश्किल है। फिर भी सऊदी अरेबिया कुछ प्रयास कर रहा है, तो चलिए देखते हैं कितना ये अपने प्रयास में सफल होता है गाइज। तो ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। हालांकि कमर चीमा को सुन के तो आप भी शॉक्ड होंगे, लेकिन ऐसा ये भी नहीं करेगा, अब इसकी भी मजबूरी है, अभी कुछ दिन से इसे लिबरल वाला इंजेक्शन लगा है तो अभी लिबरल बन रहा है, इसको भी इंडिया में व्यूअरशिप चाहिए, इसको भी इंडिया में पॉपुलर होना है, तो इस तरीके की बातें करके ये थोड़ा सा आप समझते हो, मैं ज़्यादा खुल के बताना नहीं चाहता, जो समझदार हैं वो समझ गए होंगे। तो ये गाइस वीडियो यहाँ पर करते हैं ख़त्म। अगर आपको इस टॉपिक पर जो कमेंट पढ़ने हैं, मतलब जो असली चेहरा देखना है लोग इंडिया के मुस्लिम पाकिस्तान के मुस्लिम बांग्लादेश के मुस्लिम का इसमें रिएक्शन क्या है, तो वो तो आपको मिलेगा वहीं पर, मतलब कहाँ, जो किसी मौलाना या मौलवी ने वीडियो बनाया होगा पहले तो वो कहेगा ये काफिर दज्जाल और बहुत सारे अजीब अजीब से वर्ड यूज़ किए होंगे सऊदी अरेबिया वालों के ख़िलाफ़ कि ये लोग मतलब ऐसा, कई लोग तो ये भी बोलते हैं, कई मौलानाओं को जैद हामिद जैसे लोगों को मैंने सुना है कि ये काफिर बनेंगे सबसे पहले, मतलब अभी कयामत आने से पहले सऊदी अरेबिया वाले, इस तरीके की बातें कोट करते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। लव फॉर सऊदी अरेबिया डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव चेंज है, लेकिन आपको पहले ही बोल दिया किसी चीज़ को अनलर्न करना बहुत मुश्किल है, जो चीज़ें आप सीख चुके हो उसे अनलर्न करना मतलब दुनिया का सबसे कठिन काम है। तो